ऑलराइट गाइस, तो आप में से बहुत सारे लोग एंड्रॉयड यूजर होंगे, तो आपको आपके मोबाइल की सेटिंग बेसिक बेसिक पता होते हैं, आप उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते, तो आपको बहुत ऐसी सेटिंग है जो आपको मालूम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी सेटिंग्स जिसका यूज़ करके आप आपके मोबाइल का स्पीड बढ़ा सकते हो या फिर आपके मोबाइल की बैटरी रेंज को कम कर सकते हो। सो इट्स मी आदित्य, यू आर वॉचिंग टेक एपी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट इट। तो फर्स्ट सेटिंग के लिए हमें हमारा मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ता है। डेवलपर ऑप्शन ज़्यादा लोगों को अभी तक पता नहीं है, उसके लिए हमें जाना है हमारे अबाउट सेक्शन में। मोबाइल के अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर बिल्ड नंबर देखने को मिलता है, उस पर आपको 6 to 7 टाइम्स टैप करना है, उसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको सर्च करना है बैकग्राउंड चेक। यहाँ पर आपको देख सकते हो बैकग्राउंड चेक आ गया, तो उसके लिए आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने ऐसी ऐप की लिस्ट आ गई, तो इसको आपको यहाँ पर ऐप को सिलेक्ट करना है कि किस ऐप को आपको बैकग्राउंड में चलते रहे, मतलब परमिशन देने जो कि आपका बैकग्राउंड में डाटा ले हो। तो मैंने यहाँ पर सभी सिस्टम के ऐप्स को इनेबल कर दिया ताकि वो अपना काम बैकग्राउंड में सही तरह से करे। अगर कोई थर्ड पार्टी आपके मोबाइल में यहाँ पर बैकग्राउंड का डाटा ले रही है तो आप उसके यहाँ से डिसेबल कर सकते हो ताकि वो आपके मोबाइल की बैटरी रेटिंग को कम कर सके। तो दूसरी सेटिंग है, तो उसमें आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलता है आपके सेटिंग में। सेटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट का ऑप्शन है, उसमें जाने के बाद आपको आपका जीमेल अकाउंट सिलेक्ट करना है। जीमेल अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट सिंक का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे ऑप्शंस इनेबल है जो गूगल ने अपने आप ही इनेबल कर दिए ताकि वो जब भी कोई चीज़ों में चेंजेस हो तो आपके वो सर्वर पर जाए। तो यहाँ से हम कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनको हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप उसको डिसेबल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट और जीमेल को ही सिर्फ परमिशन दी है उसको इनेबल रहने के लिए, क्योंकि अगर मेरा कोई नया कॉन्टैक्ट या फिर कोई मेरा नया ईमेल आए तो वो गूगल के सर्वर पर सेव रहे। तो अगर आप इन सभी को डिसेबल कर देते हो तो आपका बैकग्राउंड में डाटा या फिर बैकग्राउंड में वो ऐप रन नहीं होगी, तो उसके लिए आपकी बैटरी रेटिंग भी कम हो सकती है और आपके मोबाइल का स्पीड भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो तीसरी जो सेटिंग है उसके लिए हमें डेवलपर ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए हमें यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलता है, उसमें हमें सर्च करना है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। यहाँ पर आप देख सकते हो एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल आ गया, उस पर टच करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, विंडोज एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन और एनिमेटर ड्यूरेशन। यहाँ पर आपको ओपन करने के बाद मतलब ये क्या होता है कि आप में आपके मोबाइल में जितने भी एनिमेशन है जब आप ऐप खोलते हो, ऐप बंद करते हो, कॉल लगाते हो, तो यहाँ से उसका स्पीड यहाँ पर आप देख सकते हो 1x 2x ऐसे अलग अलग स्पीड है। अगर आप ऑफ कर देते हो एनिमेशन तो आपके मोबाइल में कोई भी एनिमेशन नहीं दिखेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप 0.5x पर रहे, उसकी वजह से आपके एनिमेशन फास्ट हो जाएंगे, जैसे कि आपको लगेगा आपका मोबाइल फास्ट रन हो रहा है और ये बैटरी भी कम लेता है क्योंकि हमने हमारे मोबाइल के एनिमेशन को स्पीड दी है, तो एनिमेशन रन करने के लिए सिस्टम ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो हमारे मोबाइल में विजेट्स का ऑप्शन होता है जो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, तो अगर आप आपके स्क्रीन पर होल्ड करके रखोगे तो आपके नीचे यहाँ पर आ जाएगा विजेट्स का ऑप्शन, इसमें आपके अलग अलग ऐसे ऐप्स के विजेट्स यहाँ पर क्रिएट होकर रखे, तो इसमें आप उसके शॉर्टकट्स यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आपको नीचे व्हाट्सअप का एक विजेट देखने को मिलता है, उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका व्हाट्सअप यहाँ पर शॉर्टकट में आ गया, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको बार बार आपका व्हाट्सअप ओपन करना नहीं पड़ता है, यहाँ पर आपके सामने सभी मैसेजेस आ जाता है शॉर्टकट में व्हाट्सअप के, इसके वजह से आपका टाइम भी बचता है। तो ऐसे आप इस विजेट्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये थी कुछ सेटिंग जिनका यूज़ करके आप आपके मोबाइल की बैटरी या फिर आपके मोबाइल की स्पीड ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो ऐसी अगर आप आपके मोबाइल के साथ अगर डीप में जाओगे आपको बहुत सारी ऐसी सेटिंग मिलेगी जिनका यूज़ करके आप आपको मोबाइल का एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसी मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।